हाय गाइस, यूं मैं नासिर और आज एक नई सुबह का आगाज़ करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा आज आपके लिए वीडियो बना लूँ। काफ़ी ठंड हो गई अभी यहाँ पे। अभी टेम्परेचर होता है यहाँ पर -20, -22 और नेक्स्ट मंथ तक ये जाएगा -30, -35। और अभी भी आप देख रहे हैं स्नो फॉलिंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अगर आप अपने आप को यहाँ फुल कवर करते हो, जैकेट वार्म पहनते हो, कैप वार्म पहनते हो, अपने आप को सही कवर करते हो, तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी, बल्कि आप इंजॉय करेंगे इस मौसम में। और आज मैं जा रहा हूँ सेंटर, तो आपको आज फिर दिखाता हूँ कुछ नया देखने को है, तो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चले आज आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो चले चलते हैं सेंटर। चलो आज आपको ट्रैम की सैर भी कराता हूँ। मेरे सामने ये आप देख रहे होंगे, ये क्रिसमस ट्री, तो ये यहाँ पर न्यू ईयर की प्रिपरेशन हो रही है। आपको इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा अलग से करके, और आपको चीज़ें दिखाऊँगा ये क्या क्या बनाते हैं। और ये अभी ट्रैम स्टेशन में मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने साइड में भी पार्क है, ये स्टेशन है ट्रैम, और वो सामने ट्रैम आ रही है, तो इस पर बैठ के मैं जाऊँगा। आज आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ का एक म्यूज़ियम है, इनके सारे वेपन वगैरह वहाँ पड़े हैं जो इन्होंने जर्मनी के साथ वार हुई थी उसमें यूज़ किए थे। तो ये आ गई जी हमारी ट्रेन, ये 4 नंबर ट्रेन है, इससे मैं जाऊँगा म्यूज़ियम के पास और आपको आज यहाँ का इनका म्यूज़ियम दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं। Совершение электронной пересадки доступно через приложение транспортная карта первый и QR-код. ये जी मैं अभी ट्रैम में हूँ, तो आज आपको ट्रैम की सैर करा रहा हूँ। ट्रैम से आज आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। ये अभी सेंटर से गुजर रहा हूँ। ये सेंटर है, मेन सेंटर है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया। और ये सामने एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है, और ये सामने जो स्टैचू लगा हुआ है ये लिनन का है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है चीज़ों को।
mistakes. Finally tired of all the standby. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. गाइस मैं अभी म्यूज़ियम के पास पहुंच गया हूं, बिल्कुल गेट के सामने हूं और अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर जाता हूं और आपको ये दिखाता हूं यहां पर इनके पड़े हुए वेपन्स जो इन्होंने यूज़ किए थे जर्मनी के ख़िलाफ़ जब इनकी वार हुई थी। तो चलें चल, ये बोर्ड लगा हुआ है एंट्रेंस की, यहाँ पर वाईफाई भी फ्री है। और पहले आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा टैंक है, ये उस टाइम पे यूज़ हुआ था जब जर्मनी ख़िलाफ़ इनकी जंग हुई थी। ये गोले और इसी तरह ये सारे टैंक भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। ये जब इनके साथ जर्मनी के साथ इनकी जंग हुई थी तो ये सारे इन्होंने वेपन्स वगैरह यूज़ किए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लाकर खड़े कर दिए। ठंड काफ़ी है और मैंने कहा चलो आपको आज यहाँ का म्यूज़ियम दिखा देता हूँ। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हैं दिखाने को, लेकिन जब समर आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी क्योंकि विंटर है इसलिए मेरा मूड नहीं होता ज़्यादा बाहर निकलने का। तो ये सारे टैंक वगैरह उस टाइम पे यूज़ हुए थे जब इनकी जंग हुई थी। ये बड़े रॉकेट इनके, ये टैंक और इसी तरह ये टैंक हो गया और ये टैंक भी काफ़ी उस टाइम का है जब जर्मनी के साथ की जंग हुई थी। और ये टैंक हो गया, इसी सामने वो टैंक हो गए, ये छोटा टैंक
और ये आई थिंक, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, आई थिंक ये वो जो दूसरा कोई कंट्री रॉकेट फायर करता है तो उसको रोकने के लिए ये यहाँ से आई थिंक रॉकेट होते हैं, ये रॉकेट हैं, ये रॉकेट यहाँ से इन्होंने रॉकेट फायर करने हो तो ये मशीन यूज़ करते थे, ये पूरी मशीन है। इसी तरह ये टैंक हो गया और ये छोटा टैंक आ गया, ये भी टैंक, काफ़ी टैंक है इनके पास, अभी तो बहुत ही ज़्यादा है रेंज इनके पास टैंक की, रशिया के पास। ये उस टाइम के टैंक है जब इनकी जर्मनी के साथ जंग हुई थी, तो आई थिंक तब के ला के इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो बताता है ना ये म्यूज़ियम के बारे में, वो अभी है नहीं, तो मैंने यहाँ ख़ुद ही पढ़ा, अंदाज़ा लगाया सारा चीज़ों का। ये उस टाइम के रॉकेट थे और ये आ जाते हैं गाड़ियों के, ये उस टाइम के ट्रक थी आई थिंक, इसके ऊपर ये, हाँ इसके ऊपर भी रॉकेट वगैरह पड़े हुए हैं, रॉकेट लग रख के लेके जाते थे, ये भी रॉकेट वगैरह। तो ये ट्रक भी जो है ना, ये सारे जितने भी इनके पास पड़े हुए वेपन्स वगैरह, ये सारे उस टाइम पे यूज़ हुए थे, तो ये यहाँ पर अभी इन्होंने ला के रख दिए। समर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो आपको समर में यहाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। ये सामने बोर्ड है और ये आगे बड़े रॉकेट, और इसी तरह ये भी सामने टैंक हैं, आप देख रहे होंगे। तो चलें, यही था म्यूज़ियम के लिए, आपको दिखाने के लिए इस म्यूज़ियम में। और ठंड भी काफ़ी हो रही है, अभी टेम्परेचर हो गया है -15, और इस ठंड में बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो आज आपको म्यूज़ियम दिखा दिया है ये इनके वेपन्स का, तो चलें अभी चलता हूँ। और गाइस, मैंने आज आपको ट्रैम की सैर भी कराई है और आज आपको यहाँ म्यूज़ियम दिखाया है वेपन्स का, जो यहाँ इनके जो चीज़ें यूज़ हुई थी। तो आज के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगा। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कुछ आपके पास क्वेश्चन है पूछने के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको गाइड करूंगा, आंसर दूंगा। कुछ भी जी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, आप उससे पूछ सकते हैं रशिया के मुताबिक। और आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।